हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि मिश्रा है। टॉपर्स सीरीज़ में आज ये लेक्चर 5 है, जिसमें हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के साथ ही हम सीखेंगे कि हमारा अप्रोच टुवर्ड्स एग्ज़ाम क्या होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि बहुत कम क्वेश्चंस से कट ऑफ जो है वो रह जाता है, तो उस अप्रोच के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारे पास? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? पहली बात तो ये चीज़ आप देखेंगे कि MPPSC जो है वो ईयर्स बहुत ज़्यादा पूछता है, तो जब भी आप कुछ भी पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, कोई भी अधिनियम हो, कुछ भी हो, उसमें आपको ईयर जो है, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर फाउंडेशन है उसका, तो उसमें जो भी ईयर है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन ये भी है। दूसरी चीज़, जब भी आप इस तरह के अधिनियम पढ़ेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि एक अधिनियम तो ठीक है, इससे रिलेटेड और कितने तरह के एक्ट्स या अधिनियम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट में जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमने देखा है कि एक है एयर, है ना, ये तो जैसे वाटर पे है या जल पे है, है ना। एक है इसी के साथ एयर पे, सेम एक्ट, एयर यानी आपका वायु, ठीक है, ये 1981 में है, ठीक। इसके अलावा एक पर्यावरण पे है एक्ट, जो पूरी तरह से एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो 1986 का है। ये एक्ट आपके लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्ट पे मेंस में भी क्वेश्चन आता है, इस एक्ट पे इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि इसका बैकड्रॉप या इसके किस बेसिस पे बना ये या क्यों बना ये, इसलिए ये एक्ट जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा बाकी एक्ट्स में अगर आपको ईयर्स भी पता हैं तो भी वो भी बहुत है, है ना। एयर हो गया, एक हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ यानी आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक, ये 1972 का है। ये बहुत शुरुआती सालों का है, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, है ना। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जिनको आपको ईयर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने तीन और एक्ट्स की बात की, अलोंग विथ वाटर या जल संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो वाटर जो है ये 1974 में पास हुआ है। इसके अलावा वाटर से रिलेटेड एक और एक्ट है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं वाटर सेस एक्ट। ये एक्ट्स आपको मेंस में काम आएंगे, तो इनको थोड़ा थोड़ा हमेशा देख लिया कीजिए। ये 1977 का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक एक्ट पे क्वेश्चन सॉल्व किया, पर हमने चार और एक्ट्स की तैयारी उसके साथ ही कर ली, है ना। हमें अपनी तैयारी इस तरह से करनी है, सिर्फ इतने पे ही फोकस नहीं करना है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मैंने पहली क्लास में ही कहा था कि आपको शब्दों पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है। अब यहाँ मैं अगर इस नहीं को नहीं पढ़ती हूँ तो मेरा क्वेश्चन पहले ही अपने आप गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इस तरह के वर्ड्स को या तो आप अंडरलाइन कर लीजिए या गोला लगा लीजिए, जो भी आपको ठीक पड़े, पर क्वेश्चन इस तरह से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है सबसे पहले कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, देखिए पहला जो क्लाइमेट के लिए कॉन्फ्रेंस था या जलवायु के लिए सम्मेलन था, वो 1979 में ही हुआ था, ठीक है। तो अब ये तो सही सुमेलित है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अगला, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, देखिए अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है, जो आपका दूसरा ऑप्शन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं? पहली चीज़, ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ रियो डी जेनेरियो में, ठीक। दूसरा, ये कब हुआ? तो ये हुआ 1992 में। आपको कोई भी, जब आप समिट पढ़ेंगे तो आपको इसी तरह की चीज़ें पढ़नी है उसमें, है ना। कब हुआ, कहाँ हुआ, अगर उसमें से कोई रिपोर्ट या कोई कमीशन आई है तो वो, इतना भी अगर अपने को पता है तो अपने प्री के क्वेश्चंस निकालने के लिए बहुत है, है ना। तो इसमें क्या बोला मैंने, कब हुआ, 1992 में। कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ, ठीक है। अर्थ समिट भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा इसमें से जो रिपोर्ट निकली वो थी एजेंडा 21, ठीक। एजेंडा 21 का मतलब क्या है कि 21वीं सदी में या 21st century में हम एनवायरनमेंट के लिए किस तरह के काम करने वाले हैं या हमारा अप्रोच क्या रहेगा, ठीक। ये एजेंडा 21, तो ये है।
यानी ये सही है ये आंसर भी, मतलब ये ऑप्शन भी सही है, यानी ये तो हमारा आंसर नहीं है। ठीक, दो ऑप्शंस हमने एलिमिनेट किए। तीसरा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5। देखिए यहाँ +5 है। अब मैंने क्या बोला आपको कि अर्थ समिट 1992 में हुआ। अब अगर मैं 1992 में +5 कर दूँ तो कितना होगा? 1992 +5 इज 1997। ठीक, तो ये वाला जो है ये 1997 में हुआ होगा। ठीक, तो ये भी ठीक है हमारा, मतलब ये आंसर नहीं है। अगला, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए, कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन व्यापार आज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या बहुत इम्पॉर्टेंट एक ज़रूरी है मतलब आज के टाइम के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हम सबको पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओज़ोन से रिलेटेड है। ठीक, ओज़ोन की जो क्षति, ओज़ोन को जो क्षति हो रही है उससे रिलेटेड है ये बेसिकली, और ये वियना कन्वेंशन का एक प्रोटोकॉल है। यानी अब हमें यहाँ दो चीज़ें और पता चली कि वियना कन्वेंशन का एक प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और ये दोनों चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? ये ओज़ोन से रिलेटेड है। ठीक, O3 ओज़ोन का साइन होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये किससे साइन है, किससे रिलेटेड है? वियना कन्वेंशन का एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये किससे रिलेटेड है? ओज़ोन से रिलेटेड है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये ओज़ोन से रिलेटेड है, यानी ये कार्बन व्यापार का नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये है। पर कार्बन व्यापार फिर किस में है? तो कार्बन व्यापार जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल में है। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल क्या? क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में, ये आया 1997 में, जिसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई, और इनको जो इनका अमाउंट है हमारे एनवायरनमेंट में उसको कम करने की बात की गई। ठीक, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप कोई कन्वेंशन पढ़ेंगे, तो जैसे अपन ने विटामिन की बात की थी कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, वैसे कन्वेंशंस में क्या क्या पढ़ना है, कब हुआ, कहाँ हुआ, अगर उससे कोई भी रिपोर्ट बाहर आती है या कोई भी एक इम्पॉर्टेंट उसका एजेंडा है, तो वो बस ये 3 से 4 चीज़ें हमें अगर पता हैं तो हम इस तरह के क्वेश्चंस ईजिली केटर कर पाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने एक बैच आप लोगों के लिए, हम अमोघ बैच लॉन्च करना चाह रहे हैं। बेसिकली इसमें हमारा एम ये रहने वाला है कि हम आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू, आपके स्ट्रैटेजी के थ्रू, आप लोगों की स्ट्रैटेजी में इम्प्रोवाइज कर सकें। प्लस अगर आप लोगों को, हम लोगों से किसी भी तरह की गाइडेंस या हेल्प लगती है तो हम उसको आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। कोशिश कीजिए, ज्वाइन कीजिए, सो दैट तैयारी थोड़ी सी ईजी हो जाए। ठीक, ध्वनि तरंगों को सबसे तीव्र प्रगमन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसकी बात की है हमने? ध्वनि की बात की है, साउंड की बात की है। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ साउंड जो रहता है ना, अगर आप ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जो रहती है जब ट्रैवल करती है, मान लो देखो ये सॉलिड है ना, ये कोई एक सॉलिड है। अब मैं यहीं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड कैसा होगा? ये मेरे पार्टिकल्स हैं, है ना, मतलब उसमें एक एक उसके कण हैं। ठीक है, फिर अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस तो कहीं कुछ, ठीक है, कोई एक वॉल्यूम फिक्स नहीं है। देखो जब साउंड ट्रैवल करेगा तो साउंड कैसे आगे बढ़ता है? साउंड एक इस पे हिट किया, इसने इस पे पहुंचाया, इसने इस पे पहुंचाया, इसने इस पे पहुंचाया। तो जब पास पास होंगे तो जल्दी ट्रैवल करेगा, या दूर होंगे तब जल्दी ट्रैवल करेगा? पास होंगे तो जल्दी ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो यानी क्या हुआ कि जो ठोस वस्तु है उसमें, क्योंकि उसके कण पास पास हैं, तो जो साउंड है वो जल्दी से जल्दी एक से दूसरे हिस्से में जा पाएगा। इसलिए जो ध्वनि तरंगे हैं वो सबसे तीव्र एक ठोस में ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, साइंस को ईजी डाइग्राम्स के थ्रू बनाइए, इतना उसको टफ या हार्ड मत कीजिए अपने लिए, नहीं तो पेपर 3 बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, ठीक, इसमें ये सब दिया हुआ है कि कितना उसका स्पीड है ना। अब ये चीज़ भी देखना कि साउंड जो रहता है ना वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव है यानी क्या? एक जब वो ट्रैवल करता है तो जो कण हैं जिनसे ट्रैवल करता है वो पैरेलल मूव करते हैं उनके, है ना। तो ये सब चीज़ें भी आप लाइट के लिए भी देखेंगे, आप साउंड के लिए भी देखेंगे। ठीक है, अगला, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखो प्रतिबिंब, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, बहुत बार बहुत सारी एग्जाम्स में रिपीट हो गया है, तो अब तो सबको इसका आंसर रटा ही गया है। ये बनता है अपना रेटिना पे। ठीक, चलो, लेंस की शक्ति मापी जाती है।
देखो ये क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। लेंस की शक्ति, अपने को क्या करना है, लेंस का एक पावर होता है, ठीक है। हर लेंस का एक पावर होता है, उस पावर को कैसे नापा जाता है। तो जब भी आप पावर लेंस का नापते हो तो उसको आप, वो फोकल लेंथ का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होता है फोकस का, ठीक है। तो ये है फोकल लेंथ मेरी, ये उसका व्युत्क्रम यानी ये इसका क्या है, अपना रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो पावर जो है, ये पावर हम नापते हैं डायोप्टर में, ठीक। अब इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, देखो कैंडेला, हम कैंडेला पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी या जिसको आप बोलते हैं ज्योति की तीव्रता का एक माप होता है, है ना। अब ल्यूमिन जो है वो भी ज्योति तीव्रता का ही नाप होता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो ल्यूमिन जो है ये सभी दिशाओं में ज्योति तीव्रता का माप होता है, ठीक। ऑल डायरेक्शंस में ल्यूमिनस इंटेंसिटी का माप होता है, ठीक है। वाइल कैंडेला जो है वो किसी एक डायरेक्शन में यानी किसी एक दिशा में ज्योति तीव्रता का या ल्यूमिनस इंटेंसिटी का माप होता है, ठीक है। मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि दोनों ल्यूमिनस इंटेंसिटी या लाइट की इंटेंसिटी का माप है, पर एक जो है वो सभी दिशाओं में या चारों दिशाओं में है, एक जो है वो किसी एक डायरेक्शन में है, ठीक। दूसरा है ई एन, जब ई एन जो है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं अपना ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हमने देखा होगा कि ईएन, इपोक या इपोच जो भी पढ़ते हो, पीरियड, है ना, और एरा, ये चार हैं हमारे पास, ठीक। ये चार हैं हमारे पास समय को मापने के लिए, ठीक। तो आपका काम क्या है कि आप इनको देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। इतनी ये छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं और फिर हम इन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। आंसर क्या था हमारा, डायोप्टर था, ठीक। अगला, संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। देखो संवहन, ऊष्मा का स्थानांतरण यानी अपना क्या होता है, एनर्जी जो है वो किस तरह से, या लाइट जो है वो किस तरह से ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो ट्रैवल करने के लिए अपने को क्या है, एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए तीन तरीके होते हैं, ठीक। तीन तरीके कौन कौन से, कंडक्शन, कंडक्शन जिनको आप बोलते हो चालन, ठीक। दूसरा होता है आपका कन्वेक्शन, जिसको बोलते हो आप संवहन, ठीक। और तीसरा होता है विकिरण या रेडिएशन, ठीक। ठीक, अब ये तीन हिस्से या इन तीन प्रोसेस से हो सकता है, ठीक है। अब देखो कंडक्शन या चालन जो है वो क्या होता है, जब जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनमें क्या होता है, मैंने अभी बोला उनमें हर एक कण जो है वो इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे ऊर्जा है वो इससे यहाँ, इससे यहाँ, इससे यहाँ और इस तरह से ट्रांसफ़र होती है वो, ठीक। ये है हमारा कंडक्शन, ठीक। जब भी कोई मेटल गर्म होता है ना, या कोई भी ऐसी ठोस चीज़ गर्म होती है, वो क्या होता है हमारा, चालन होता है, ठीक। अगला कन्वेक्शन, कन्वेक्शन जब चाय बनती है, तो चाय की पत्ती जब उबलती है, चाय की पत्ती कैसे उबलती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह से ट्रैवल करती है ना। तो वो कैसा, वो क्या हुआ, ठोस और द्रव्य में बेसिकली क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। मतलब क्या होता है, एक से दूसरा, है ना, ट्रैवल करेगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से जो चीज़ें हैं वो संवहन। और तीसरा है रेडिएशन, जो लाइट सूर्य से हम तक आती है, पृथ्वी तक आती है, वो किसके थ्रू आती है, रेडिएशन। यानी रेडिएशन कैसे हुआ, वैक्यूम में हुआ, ठीक। कन्वेक्शन जो है वो फ्लूइड्स में हुआ, जब मैं फ्लूइड्स बोलती हूँ यानी उसमें क्या आता है, उसमें द्रव्य भी आता है और उसमें गैस भी आती है, ठीक है। और कंडक्शन जब मैं सॉलिड बोलती हूँ तो ठोस, इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, क्या क्या है फिर हमारा आंसर, संवहन में, संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण किस में होती है, गैस और द्रव में, ठीक है। एग्जाम्पल्स इनके देख लिया करो, चीज़ें इजीली याद रह जाती हैं, ठीक है। अगला, तड़ित बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा होती है। देखो अब इसके ऑप्शंस देखो, सबसे पहले हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा, तो अब उसमें डेफिनेटली न्यूक्लियर एनर्जी तो होगी नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी होती तो फिर तो हर बार बिजली गिरने पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना। हाँ एग्जैक्टली। फिर अगला है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा इज़
केमिकल है ना, रासायनिक ऊर्जा केमिकल, तो केमिकल यहाँ पे कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, तो केमिकल की बात ही हटा दो, रासायनिक हटा दो, दो ऑप्शंस हट गए। दो और बचे, ऊष्मीय और विद्युत। ठीक है, ऊष्मीय इज क्या, गर्मी है ना, और विद्युत इज इलेक्ट्रिसिटी। तो वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बिजली है तो वो इलेक्ट्रिसिटी ही होगा, बट स्टिल है ना, कैसे इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्यों इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्यों बिजली होगा। देखो जब बिजली चमकती है ना, बादल में क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, नीचे नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक, जब ये इससे या ये इससे किसी भी कारण से जब मैच करेंगे या मिलेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, बिजली प्रोड्यूस होगी, है ना। यानी क्या होगा, इस तरह के जो अपने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, बहेंगे, है ना। और हम बिजली भी यही होती है, चार्ज का फ्लो इस बिजली, है ना, यहाँ भी चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, बिजली। तो इसलिए वो क्या है, विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में नीचे आता है, और इसीलिए क्या हो जाता है, यहाँ पे आग लग जाती है। ठीक है, प्लस माइनस न्यूट्रल होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता, नहीं क्योंकि बराबर नहीं है ना, जब बराबर होगा तब प्लस माइनस न्यूट्रल होगा ना। और फिर यहाँ पे ना, इसमें और भी पढ़ोगे आगे, तो फिर वो लाइटनिंग कंडक्टर जब भी नीचे आता है ना, तो वो यूजुअली क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस में नीचे आता है ना। और उसमें और भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं फिर, कि दूसरा बादल है तो फिर इनमें भी इंटर इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, ये जो है ये नीचे से भी, ये यूजुअली नेगेटिव चार्जेस जो नीचे आते हैं ऐसे भी हो सकता है ना। तो इसमें फिर बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने को बेसिक साइंस चाहिए, इतना बहुत है अपने लिए, है ना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो मैंने पहले भी बोला था, नहीं है पढ़ना है अपने को। ठीक, पहला कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, दूसरा विटामिन जब अपन पढ़ रहे थे तब मैंने बोला था कि उनके बारे में क्या क्या पढ़ना है आपको। पहले तो विटामिन है तो उसका दूसरा नाम क्या है, है ना, अगर उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नेम है वो, या उसका दूसरा नाम क्या है। दूसरा, उसे किसने खोजा है, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम। ठीक, तीसरा, उसकी कमी से कौन से डिजीज़ या कौन से रोग होते हैं उसकी कमी से। ठीक है, और चौथा, उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, जब भी विटामिन पढ़ेंगे ये चार कॉन्सेप्ट्स के अंडर ही पढ़ेंगे, है ना, इससे अपने यूजुअली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी देखते हैं। देखो विटामिन ए और विटामिन बी, मैंने बोला कि डिस्कवरी किसने की है वो अपने को पढ़ना है हमेशा। ए और बी दोनों को मैकुलन ने खोजा है, ये ठीक है। ठीक, विटामिन सी जेम्स लिंड ने खोजा है, विटामिन डी पॉल मिलर ने नहीं ढूंढा है। ठीक है, ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन हो जाता है, ये नहीं पता रहता है तो नहीं पता रहता है, है ना। इसलिए जब भी विटामिन की तैयारी करो तो इन चार सब हेडिंग्स के अंदर तैयारी करो, मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक ठीक है, पॉल मिलर ने मेरे ख्याल से DDT खोजा था, है ना, और विटामिन डी जो है वो हॉपकिंस का है। ठीक, तो यहाँ से अब चार फैक्ट्स हमारे और तैयार हो जाते हैं, कि विटामिन ए और बी मैकुलन ने खोजा, विटामिन सी लिंड ने खोजा, विटामिन डी जो है वो हॉपकिंस का है, और पॉल मिलर का DDT है। ठीक, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को या सारे फैक्ट्स को तैयार करना है। देखो यहाँ है, पॉल मिलर ने DDT खोजा था। ठीक है, ठीक, अगला, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, देखो मैंने बोला था कई बार कि अपने को क्या होता है, अगर वर्ड का मीनिंग पता रहता है तो अपन इसको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो डायरेक्टली दिया ही हुआ है, बट स्टिल देखो, बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया है ना, हाँ है ना, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक, प्लस फेगस, ये जो फेजी वर्ड है ना, फेज है ना, ये आया है फेगस से। फेगस का मतलब होता है जो ईट, है ना, ईट यानी जो खा लेता है। ठीक, फेगस या फेजी जो है वो भोजी, भोजन, खाना, ईट, है ना, ये शब्द से फेगस है या फेजी है। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ से क्या मतलब समझ में आ रहा है मुझे, कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो जीवाणु को खा लेता है, जीवाणु भोजी, है ना, ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई जीवाणु या विषाणु या जो भी है वो क्या करेगा, वो जीवाणु को खाएगा, है ना, यानी जीवाणु को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, पूंछ युक्त जीवाणु हटा दूँ, है ना, ठीक, नवनिर्मित जीवाणु, कोई अर्थ ही नहीं बनता इन दोनों का। विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु, यहाँ तो जीवाणु भोजन बन रहा है ना, है ना, विषाणु थोड़ी बन रहा है, तो ये हट गया, ये है फिर जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, है ना, ऐसा वायरस या ऐसा विषाणु जो कि किसको, जीवाणु को या बैक्टीरिया को अपना खाना बनाता है या उसको इन्फेक्ट करता है। ठीक,
ये है हमारा आंसर, है ना। इसलिए कोशिश करो कि जब भी इस तरह के टर्म्स आते हैं ना, जैसे सेप्रोफाइट पढ़ते हो, है ना, तो सेप्रोफाइट का क्या मतलब होता है? फाइट जहाँ भी पढ़ोगे इसका मतलब होता है प्लांट, पौधा, ठीक। सेप्रो यानी क्या होता है? सड़ा गला, ठीक है। तो ऐसा पौधा जो सड़े गले से अपना खाना या अपना न्यूट्रिशन लेता हो, ठीक, वो क्या हो गया? सेप्रोफाइट हो गया। साइंस में कई जगह देखोगे, जैसे ऑटोट्रॉफिक, ट्रॉफिक यानी ट्रॉफिक हर जगह पढ़ोगे, ट्रॉफिक यानी क्या होता है? एनर्जी। ऑटो यानी क्या होता है? खुद, खुद से अपनी एनर्जी बनाने वाला, ठीक, ग्रीन प्लांट्स, ठीक। तो इसलिए साइंस में कोशिश करो, जहाँ ऐसे शब्द आ जाए ना, कोशिश करो कि उनका कोई जो बेसिक मीनिंग होता हो या कोर मीनिंग होता हो वो निकाल लो रूट वर्ड से, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक या ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखो, हमें सबको पता है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं साइंस में कि ग्रेफाइट जो है वो एक ल्यूब्रिकेंट है ना। हमें कुछ पता नहीं हो, पता हो ना हो ग्रेफाइट के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, डायमंड और ग्रेफाइट हम हमेशा कंपेयर करते हैं। दूसरा क्या पता रहता है हमें कि वो एक ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं। क्यों? उसके स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी जो एक लेयर रहती है वो दूसरी लेयर पर ईजिली स्लिप करती है ना, इसलिए उसको कैसे ल्यूब्रिकेंट की तरह या स्नेहक की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सीखना क्या है हमें इस क्वेश्चन से, कि उसमें दूसरे ऑप्शंस भी हैं, तो वो दूसरे ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स को इसी तरह से यूज़ करना है कि दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी कुछ कुछ पता करो। जैसे क्यूपराइट, क्यूपराइट नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉपर से रिलेटेड कुछ होगा, कॉपर है ना, इसका फॉर्मूला होता है Cu2O, ठीक, कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक है। अगला ग्रेफाइट तो हम देखें, ग्रेफाइट तो ठीक है, आंसर ही हमारा हीमेटाइट। हीमेटाइट क्या है? आयरन से रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन सुना होगा, हीमोग्लोबिन में भी हीम आता है, वो भी आयरन, क्योंकि हम आयरन खाते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हीम जहाँ भी आया वहाँ पे क्या है? आयरन इन्वॉल्व्ड है, हीमेटाइट है, आयरन का और है, Fe2O3 है मेरे ख्याल से, एक बार देख लेना, ठीक। इसके अलावा मैग्नेटाइट है, एक मैग्नेट है, आयरन से अट्रैक्ट होगा, यानी इसमें आयरन का क्वांटिटी जो है वो इससे ज़्यादा होगा, ठीक, तो Fe3O4 होता है ये, ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन मेंस में भी पूछेगा वो, कि अच्छा बता दो कि भैया और कौन कौन से आयरन के, तो दो तो यहीं तैयार हो गए, है ना, मैग्नेटाइट हीमेटाइट, अब कुछ याद नहीं आए, दो तो याद ही है कि ठीक है Fe3O4 Fe2O3 तो होते ही, ठीक है। तो इस तरह से मेंस के लिए भी 3 मार्कर्स, क्योंकि उस टाइम पर इतना टाइम नहीं रहता है कि वापस इनको पढ़ा जा सके, है ना, तो इस तैयारी को ऐसे ही ढाल के रखो। और आखिरी है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो रहता है वो एल्यूमिनियम का ओर है, अयस्क है, ठीक। उसमें Na3AlF6 होता है मेरे ख्याल से, सोडियम और फ्लोराइड भी रहता है उसमें, फॉर्मूला एक बार देख लेना, पर ये है एल्यूमिनियम का अयस्क, ठीक है। ऑप्शन से भी अपन ने तैयार कर लिया, ठीक है, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। हास गैस है, देखो ये बचपन से ये क्वेश्चन चला आ रहा है, लाफिंग गैस या हास गैस, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, N2O जो रहता है, वो लाफिंग गैस की तरह यूज़ होता है, ठीक है, थोड़ा सा उसका एनेस्थेटिक प्रभाव रहता है ना, जिसकी वजह से वो क्या है, वो आपको अच्छा अच्छा फील गुड वाली फीलिंग देता है ना, हास गैस इसीलिए या लाफिंग गैस जो है वो कहा जाता है। दूसरे एग्जाम्पल्स देख लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? H2O2, ठीक। देखो जब भी पेरोक्साइड देखोगे, यानी क्या है, हर एक इस एलिमेंट पे एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है, पेरोक्साइड, ठीक, हर एक पे एक ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ यूज़ करते हैं? जब चोट लग जाती है ना, तो जो उसको साफ़ करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक। दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो हमारा आंसर ही है ना। एनवायरनमेंट में भी नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नॉक्स के नाम से पढ़ोगे, NOx, है ना, यानी क्या, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, ये वार्मिंग इफेक्ट देते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने सबने पढ़ा है, CO होता है, ये क्या करता है, हमारे हीमोग्लोबिन को बांध लेता है, हीमोग्लोबिन को बांध लेता है, जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी रहती है उसको कम कर देता है। तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में ज़्यादा होने की वजह से, जब ये हमारे हीमोग्लोबिन को बांध लेता है और ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी को कम कर देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिल्यूजन्स होने लगते हैं, है ना, डिजीनेस सी लगने लगती है, कई ऐसे मामलों में डेथ भी हो जाती है, ठीक है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के और सल्फर के ऑक्साइड्स को सॉक्स के नाम से पढ़ोगे, है ना, यहाँ पे एक्स क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन चेंज होता रहेगा,
ऐसे ही NOx भी X जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक, तो ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, ये भी एक वार्मिंग इफेक्ट देता है ना, ये भी अपने कोयला जहाँ जलता है वहाँ पर रिलीज़ होती है ना, उसके अलावा अपनी जो एसिड रेन होती है ना, उसमें अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं, वहाँ पे वो SO2 और NO2 जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन भी तैयार कर लो, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी यही यूज़ होते हैं। ठीक है, रिएक्शंस देख लेना। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस तरह होता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण, देखो मुझे यही लगता है कि जब भी आप इस तरह का कुछ पढ़ते हो ना, कोशिश करो अगर उसका कोई फॉर्मूला है, कोई रिएक्शन है ना, या कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट अपने को बेसिक प्रोसेस तो पता है। जैसे मुझे पता है कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, वाटर रहता है या पानी रहता है, उन दोनों का रिएक्शन होता है और पेड़ जो रहते हैं वो हमें क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, और अपने लिए क्या बचा लेते हैं, शुगर या सुक्रोज या स्टार्च बचा लेते हैं अपने लिए। ठीक, तो सिंपल सा रिएक्शन क्या क्या आएगा उसमें, कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी होता है, क्या दे देते हैं मुझे, एक तो ऑक्सीजन दे देते हैं जो उनका बाय प्रोडक्ट होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है, प्लस वो अपने लिए क्या बना लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं। ठीक, या ग्लूकोज बना लेते हैं, जो भी बोल लो। ठीक, अब इसका फॉर्मूला मुझे पता है, एज ए नहीं भी पता है तो भी ठीक है ना, बट बेसिक फार्मूला ये आप बता सकते हो, ये रिएक्शन बैलेंस इस तरह से होती है, पर देख लेना एक बार इसको, है ना, नहीं भी करते हो बैलेंस XX लगा दो कोई बात नहीं, पर इतना तो पता है कि CO2 का रिएक्शन पानी से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पानी हम देते हैं पौधों को लाइट की प्रेजेंस में, यानी धूप की प्रेजेंस में, वो क्या करते हैं, इन दोनों का रिएक्शन करा के ऑक्सीजन वो खुद छोड़ देते हैं और अपने लिए क्या रख लेते हैं, स्टार्च या ग्लूकोज रख लेते हैं, जिससे वो आगे का काम करेंगे। ठीक, ये बेसिक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में जब तुम आगे इसको पढ़ोगे ना, तो इसमें क्या होता है, दो साइकिल्स होते हैं, एक होता है लाइट साइकिल जो लाइट की प्रेजेंस में होगा, है ना, धूप की प्रेजेंस में होगा, और एक दूसरा होता है केल्विन साइकिल या डार्क साइकिल बोलते हैं जिसको। ठीक, ये वाला जो साइकिल होता है, ये जब ये साइकिल ख़त्म होता है तो ये उधर होता है, जो ATP बनाने वाला काम रहता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला काम रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, हाइड्रोलिसिस होता है ना, लिसिस जहाँ भी देखोगे ना, इसका मतलब होता है काटना या तोड़ना। ठीक है, तो तोड़ और हाइड्रो यानी पानी। ठीक है, यानी ये क्या करता है, ये जो है H2O इसको क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये H2O जो है ये O2 में टूटेगा। मैंने क्या बोला, हाइड्रो यानी पानी, लिसिस यानी काटना। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, पानी जो है वो टूटेगा, कटेगा। ठीक, और ये दूसरे साइकिल में क्या होता है, इस CO2 और यहाँ पे जो अपना हाइड्रोजन था उसके साथ मिलकर के क्या होगा, ये C6H12O6 या जो मैं स्टार्च बोल रही थी वो बन जाएगा, जो प्लांट अपने लिए यूज़ करेगा बढ़ने के लिए, है ना, उसके एनर्जी के लिए, उसके खाने के लिए। ठीक है, तो ये स्टार्च बन जाएगा। तो ये दो तरह के साइकिल्स होंगे इसमें। ठीक है, इसी में ATP बनता है बीच में। ठीक, तो ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखो क्या है अपने पास, कि हरे पौधों का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। देखा अपन ने क्या बना, रासायनिक रूप में होता है ना, कोई कोई रसायन बनेंगे। ठीक, ये नहीं, ये ठीक, रासायनिक रूप में होता है ना, भौतिक ऊर्जा में तो कुछ नहीं होता, फिजिकल एनर्जी में कैसे होगा, प्लांट क्या करता है, फिजिकली कुछ नहीं करता है, तो फिजिकल में तो कुछ होगा नहीं, इसको हटा दो और अभी हट गया, ये हो गया रासायनिक। हाँ, जाइलम फ्लोएम भी पूछा जाता है इसमें, कि जाइलम कौन फूड कैरी करता है, कौन वाटर कैरी करता है ना, जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस पढ़ लेना, अंदर की तरफ कौन होता है, बाहर की तरफ कौन होता है, कौन फूड कैरी करता है, कौन वाटर कैरी करता है, कौन नीचे से ऊपर लेकर के जाता है, कौन दोनों तरफ से लेकर के जाता है ना, ये सारे बेसिक डिफरेंसेस है जो अपन देख सकते हैं किसी भी प्लांट में, है ना, तो इन सब क्वेश्चन से वो तैयार कर लो। ठीक, ये है अपने पास इसका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन हैं। थैंक यू वेरी मच।